ये देखिए दोस्तों, शकरपारे का कलर कितना बढ़िया आया है। और ये जो शकरपारे हैं देखने में एकदम क्रिस्पी हैं, तो चलिए इनको हम तोड़ के देख लेते हैं। देखा है ना, ये शकरपारे एकदम क्रिस्पी और एकदम सॉफ्ट। तो चलिए क्रिस्पी मजेदार टेस्टी शकरपारे की रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। खाने की बात शालिनीज किचन के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शालिनी, स्वागत है आपका शालिनीज किचन में। मैदे के शक्करपारे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ली है, 1/2 कप दूध, 1/2 कप शुद्ध देसी घी, 1 कप चीनी और 1 चम्मच सफ़ेद तिल। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। एक पतीले में दूध डालेंगे, घी डालेंगे, चीनी डालेंगे और गैस को करेंगे हम ऑन। 1 चम्मच की सहायता से सारी चीज़ों को हम करेंगे अच्छे से मिक्स। ये जो मिक्सचर है इसको हमें सिर्फ 1 बॉयल आने तक पकाना है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो गैस का फ्लेम हाई करके इस मिक्सचर में 1 बॉयल आने तक इसको हम पकाएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो मिक्सचर है इसमें बॉयल आ गया है, तो गैस को करेंगे हम बंद और इसको हम कर लेंगे ठंडा। ये जो मिक्सचर है ये हल्का ठंडा हो गया है, इसको हमें बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, इसको हमें हल्का गुनगुना रखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। एक बाउल में मैदा डालेंगे, सफ़ेद तिल डालेंगे और जो मिक्सचर हमने तैयार किया था उस मिक्सचर का यूज़ करके हम डो तैयार करेंगे। मिक्सचर को हम डालते जाएंगे और अच्छे से डो को मलते जाएंगे। शकरपारे के लिए डो यहाँ पर हो गया है हमारा तैयार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। ये जो डो है इसके हम 2 पोर्शन करेंगे और इन पोर्शन का हम पेड़ा तैयार करेंगे। इस तरीके से, और इसी तरीके से हम दूसरा पेड़ा भी तैयार कर लेंगे। और हम थोड़ी सी सूखी मैदा को लेंगे, इस तरीके से पेड़े के ऊपर डालेंगे और बेलन की सहायता से हम मोटी सी रोटी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमें हल्के हाथों से रोटी बनाना है, एकदम टाइट हाथों से नहीं बनाना है। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये इतनी मोटी रोटी बेली है। इसी तरीके से रोटी बना के तैयार करना है। तो अब हम ये जो बिली हुई रोटी है इसके शकरपारे कट करेंगे। चाकू की मदद से शकरपारे को हम काट लेंगे। बराबर दूरी से चाकू की मदद से शकरपारों को हम काटेंगे, इससे शकरपारे जो हैं देखने में अच्छे लगेंगे। और अब हम दूसरी साइड भी इस तरीके से काट लेंगे। छोटे छोटे साइज के शकरपारे हम काट के तैयार करेंगे। शकरपारों को मैंने यहाँ पर काट लिया है और दूसरे पेड़े के भी हम शकरपारे काट के तैयार कर लेंगे। शकरपारों को निकालने के लिए किसी चम्मच की या फिर किसी चाकू की मदद से आप इस तरीके से निकाल लीजिए और निकाल कर इनको हम डायरेक्ट ही तेल में डाल देंगे। तेल हो गया है गर्म, तो तेल में डालेंगे हम शकरपारों को। शकरपारों को हमें मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से चलाते हुए तलना है जब तक कि इन शकरपारों का कलर हल्का ग्लॉसी ना हो जाए, तब तक हम इनको तलेंगे। शकरपारे यहाँ पर हो गए तल के तैयार। आप यहाँ देख सकते हैं कि शकरपारों का कितना बढ़िया कलर आया है। और इसी तरीके से सारे शकरपारे तल के हम तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी शकरपारे की रेसिपी, है ना मज़ेदार? और ये जो शक्करपारे हैं बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। तो आप एक बार इनको ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर शेयर करें। जुड़े रहिए आप मेरे साथ, मैं ऐसे ही नई नई रेसिपी लाती रहूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।